हाँ जी सत श्रीकाल जी सारियां नूं स्वागत है नवे ब्लॉग दे विच। ओके तुसीं सब वधिया होवोगे। ब्लॉग की स्टार्टिंग टाइम साढ़े 10-11 दे नेड़े तेड़े होना, ठीक है। तो तुर पे आपां कॉलेज वाल नूं, फिलहाल ट्रांजिट वाल नूं, ट्रांजिट तो बस चक्कांगे, दैन फिर चलांगे कॉलेज। अज चले हैं, मैनूं लगता है 2 हफ्तिया बाद चले हैं कॉलेज, क्योंकि पिछले हफ्ते छुट्टी हो गई सी ते हुण जिहड़ी पिछली क्लास सी उह मैं लाई नहीं सी, ठीक है। तो 2 दिन हो गए ब्लॉग मिस चल रहा, उनका भी रीज़न सीगा, वो तुहानू कल नू पता लग जूगा, ठीक है। नाल बस पहुँच गए आप ट्रांजिट बस नू, वैसे तो टाइम पिया है पर उसे जाके आराम नाल बहने, धुप्पे अज वधिया धुप्प लगी है। 2 दिन हो गए स्नो ही पैंदी सी वैसे भी, वो सामने का दा पट्ठा चलन दिया। गोल्ड माइन है ना? हाँ वो माइन ही आ, होर की आ फायदा की चक्कण दा, ऐतकी हौसला हैगा कि हुण नहीं पैंदी तो बाद। बाकी देखो अजे भी कुछ नहीं कह सकते, लगता ही है निकाह जोर पता किन्ना अगले पड़ा, तो ही वड्डा डंपर पाओ पिछे। फिलहाल मौके से खाली है, दोबारे जो वापस देखो ना कॉलेज अगो फिर वेखी बोलूं जी, नहीं सीट मिलती टाइम ना दो वाले हूँ भी कम है, चलो चलते हैं घरे, टाइम ना मिलने थोड़े जी अभी फिर से सुनते हैं किसी घरे भी जाके बहना ही है। ਕਿੱਥੇ ਟਲਦਾ ਹੈ ਕਾਸ਼, ਹਜੇ ਕੋਲੇ ਚੋਂ ਚੜੇ ਆ, ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਆ ਵੀ ਬਹਿ ਗਿਆ ਬੱਸ ਚ, ਰਾਹ ਚ ਹੀ ਲਵਾ ਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੱਲ ਇੱਥੇ ਉੱਤਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਚੜ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਆ ਕੰਮ ਤੇ ਨਿਬੇੜ ਲੈਣੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਂਚੀ ਦੀ ਸੀ ਵੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਆ, ਇਹਨੇ ਬਣਵਾ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ, ਚਲੋ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ 1-2 ਕਮੈਂਟ ਆਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਅਜੇ ਬੱਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਨਾ, पुछ लिया जो भी पुछना सीगा, ठीक है। अगे भी मेरे ख्याल पिछले व्लॉगां दस्या लाइसेंस तो रिलेटेड कि जिंदे कोल एक्सपीरियंस है आपका एक्सट्रैक्ट जरूर बना के लिया, तो मेरे को 8 महीने का एक्सपीरियंस ही उनका एक्सट्रैक्ट मैं बनवाया हुआ, पर मेरे को हुण मौके पर जिवें साल का एक्सपीरियंस है इंडिया का, तो उस चीज़ का पता करना सीगा, तो उन्होंने आख्या कि आपका आपका लाइसेंस पासपोर्ट वगैरह लैके आ जाओ तो तुहानू दस देंगे भी तुहाडा सौखा होगा काम कि नहीं होगा, कि एक्सट्रैक्ट दुबारे मंगवाना पेगा लग जू पता अगे। चलो फिर सर लेंगे होने के हिसाब न। एक कमेंट आया ही पता नहीं कमेंट आया सी, मैंने मैसेज आया इंस्टा से, तो पूछन दे सी भी लीज का की सिस्टम आ, ठीक है, लीज साइन करनी घर की, तो इन्हें तो ना चंगी चर्चा करनी पेगी, तो आप घर जाके कर दें डिटेल च, बच गया पिक्का हमने भड़का देना ही फिर वही सीट मिल गई लास्ट वाली आप ठंड हैगी है मड़ी मड़ी आए बस का एक रोड़ा है बारो रैप की हुई है ना ता करके व्यू नहीं आता सही अंदर अंदर ही देख सकते हैं बस पहुंच गए ऑलमोस्ट घरे गड्डी वेखो जान दी गुरुद्वारे चलेंगे गुरुद्वारे मैं रात में जा देना ऐ तो नहाते हैं अज भी सवेरे सवेरे तो जाना ही है कल अभी शाम को जाके आना चेते नाल मणि कोल भी जाके आना अज चल एनू हो जा यार रब दी नहीं समझ आउंदी एक तां की एक अज धुप लगी सिरा कल परसों फिर मैं लगता भी बदल बन जाने क्योंकि 2 दिन हम बदल रहे ठीक है उदो पहला 1 दिन धुप लगी ही इदा ही चलन दिया सिस्टम सारे पास की ते करे बंदा मेयर दी गड्डी है चल जिंदी मर्जी हो गया आप लेना चलना
ਸੱਜਣਾ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਟਾਈਮ ਲਾਉਣਾ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਆਹੀ ਵੱਜਣਾ ਹੁਣ ਵਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵੇਖੀ ਤੇਰੇ ਐਚ ਪੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੀਜਾ ਹਾਂ ਲੋ ਵੀ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖ ਲਈ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਸ ਲੈਪਟੋਪ 'ਚ ਨਿਕਲੂਗਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਟੈਸਟ ਤਿੰਨ ਲੈਪਟੋਪ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਲੈਪਟੋਪ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਤਗੜੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਹਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਕਮੈਂਟ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਹਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਘੰਟਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡੇਢ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਬੰਨੇ ਨੇ ਆ ਟੈਸਟ ਕਰਨ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਹਜੇ ਇੱਕ ਸਮ ਹੋਇਆ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਜੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਲਓ ਵੀ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਠੀਕ ਆ ਪਰਸੈਂਟ ਨਾ ਪੁੱਛਿਓ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ ਗਏ ਆ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਆ 66 ਆਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਡਿੱਟੋ ਸੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਅੱਧੇ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਬਾਕੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਣਾਉਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ ਅੱਜ ਛੋਲੇ ਭਿਉਣੇ ਆ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਹੀ ਬਣਦੀ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਭਿਉਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਫਾਈਨਲੀ ਭਿਉ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸੈੱਟ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਬਸ ਚੱਲੋ ਇਹ ਕੁੱਕਰ ਮਾਂਜ ਉੱਠ ਪੈ ਝਾੜੂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਵੇਖ ਲਾ ਨਾ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਆਇਆ ਮਿੰਟ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁੱਕਰ ਧੋ ਦੇ ਮੈਂ ਆਲੂ ਵਗੈਰਾ ਛਿੱਲਦਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ ਖਾਣੀਆਂ ਲੇਟ ਹੀ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਣੀਕੁੰਦ ਜਾ ਕੇ ਆਈਏ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਨਬੇੜ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਮਣੀਕੁੰਦ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਕਰ ਲੈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਧੁੱਪ ਵੇਖੋ ਲੱਗੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦਾ ਸੂਰਜ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਯਾਰ ਕੋਈ 10-15 ਦਿਨ ਐਵੇਂ ਧੁੱਪ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟੇ ਅੱਜ ਹਵਾ ਤਾਂ ਵਗਣ ਦੀ ਪਰ ਇੰਨੀ ਠੰਡੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਨੋਰਮਲ ਜੀ ਹਵਾ ਪਰ ਸੂਰਜ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੱਜਣ ਦਿਆ ਪੂਰਾ ਟਕਾ ਕੇ ਬਸ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣ ਚੱਲੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ 2-3 ਹੋਰ ਸੀਟੀਆਂ ਵੱਜਣਗੀਆਂ ਬਸ ਇੰਨੇ 'ਚ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪਰਨਾ ਬੰਨਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾਗੇ ਕੋਟੀ ਚੱਲਦੇ ਮਣੀ ਹੋਣਾ ਅੱਲ ਲਓ ਵੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਅਜੇ ਬਣਨ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਗੇਅਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖਿਓ ਆ ਤੀਜਾ ਇਹ ਚੌਥਾ ਇਹ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਤਾ ਇਹ 6ਵਾਂ ਚੱਕ ਟੈਰਾਂ 'ਤੇ ਚੜਾ ਤੀ ਮੈਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਅਜੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ ਵਾਲਾ ਲੈਪਟੋਪ ਹੈ ਛੋਟਾ 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 ਹੁਣ ਭੱਜੂ ਫੁੱਲ ਓ ਹੋ 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 ਗੜਬੜਾ ਗਈ ਗੇਅਰ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਰਿਵਰਸ ਬਾੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੱਜਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਗੇਅਰ 'ਚ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਟ ਹੈਪਨ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੱਡੀ ਗੁੱਡੀਆਂ ਟਰੱਕ ਟਰੁੱਕ ਚਲਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕੀ ਯਾਰ ਐਡੀ ਸਾਰਾ ਗੇਮ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਜੀ ਕਿਣਵੇਂ ਗੇਅਰ 'ਚ ਹੈ ਤੀਜੇ 'ਚ ਇਹ ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਕਰ ਲਈਏ ਹਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲੂਗੀ ਸਹੀ
चलो मैं खेडदा फिर मिलते आप। हैलो भी फाइनली गेमां गुमां खेड के वेले हो गए हूँ आप। मौके दे टाइम 8:05 तो हजे भी बाहर ऐ पूरा चानना है सिरे का, बस 15 मिनट तक नेरा हो जाना फुल। तो फिलहाल जे आप कर मणि को गए नहीं गए तो सलाह बनती है रोटी रोटी खा के आराम ना जावे ठीक है। तो हो सकता 10 बजे जाइए या हो सकता 10 बजे दिन वापस भी आ जाइए, कोई पता नहीं गा सा अजे कुछ नहीं कह सकते। तो व्लॉग की स्टार्टिंग तो ही मैं कह दिया भी एक कमेंट आता आप रिप्लाई करना जरूर, तो वह कमेंट नहीं सी मैंने इंस्टाग्राम से मैसेज किया किसी ने, तो वह पूछता सीगा लीज़ बारे भी लीज़ का की सिस्टम हुंदा। तो लीज़ वैसे तो अपने मनीए तो एक जरूरी भी हुंदी है ठीक है, भी करनी चाहिए है लीज़। पर जिहड़े इत्थे नवे नवे स्टूडेंट आउंदे आ वो आउंदे आ सर जिवें लीज़ कर लैंदे आ ठीक है, तो कल नूं जिवें नाल दे नाल बणदी नहीं या इत्थे आ के जिवें 6-7 जणे इकट्ठे एक घर लै लैंदे आ ते बाद चो उन्हां दी आपस च बनती नहीं विचार मिलते नहीं ठीक है, सो गलबात हो जाती है तो बाद चो लड़ते फिरते आ फिर ठीक है। भी लीज़ करके बजे होंगे एक थान तो जा भी नहीं सकते छड के, तो कई बार फिर उत्थे छड्डन नूं कोई बंदा भी नहीं लभदा ठीक है कि आपकी थान पर कोई छड के तुर जाए, तो फिर वह चीज़ दिक्कत आती है। तो लीज़ की मैं सलाह यही दिना भी जे इत्थे कोई स्टूडेंट आउंदे आ ठीक है, तो उन्हें अपार्टमेंट लैना या कोई घर लैना ठीक है, तो नाल जिहड़े मुंडे रह रहे ने उन्हां नाल गलबात करके पूरी ठीक है। कई बार इदा सिस्टम हों, तो लीज़ का भी इदा सिस्टम हों, कई बार ना आप जिमें इतने आके सोचते हैं भी 6-7 जने घर लै लें तो आपको सस्ता पेगा भी इकट्ठा घर लै लें, मतलब कि उनका इकट्ठा रेंट पे करना भी पर परसन के हिसाब नाल नहीं हों, जिमें हूँ 1500-1600 का घर लै लिया भी उन्हें 6-7 जने रह लेंगे ठीक है, एक जना होर वाड़ लेंगे तो थोड़ा घट पै जूगा, यह भी सिस्टम हों। तो उन्हें दिक्कत यह आती है भी हों 6-7 जने वाली है तो उनके लिए लीज साइन कर लेंगे 4-5 जने ठीक है। फिर कई बार सिस्टम इदा हों भी कोई छड़ के तुर जाता है तो सारा जो 1500-1600 रेंट है वह फिर उन्होंने जाने पर पै जाता, एक तो बच्चों निकल गया बाकिया सारिया का तो वध गया ठीक है। इस चीज़ की भी दिक्कत आ जाती है ता करके जिन्हें भी घर लैना ठीक है जी इदा लेंदे आ भी हाँ 6-7 जने मिल के घर लै लें रेंट थोड़ा पै जूगा, भी उन्होंने ओनर कट्ठा ही रेंट देना ठीक है, वो आपका सोच समझ के कर लियो नाल दे बंदे देख के ठीक है, भी किदा देने भी कल इन्हां नाल अपनी बन जूगी कि नहीं बनती विचार, सो गलबात होंदी तुसीं भी समझदे हो ठीक है। मैं देखन दिया ये चीज़ा इत्थे नोटिस कर दिया भी बहुत जाणियां नाल इदां दी दिक्कत आउंदी है ठीक है, मैं तां करके तुहानूं दसन दिया। तो लीज़ वैसे तो चंगा ही है भी साइन करनी ठीक है, तो इत्थे आके आपका घर घुर देख के जिन्ना चिर तुहानूं पूरा सैट लगता नहीं भी हाँ मेरे वालों डन है भी मेरे नाल जिहड़ा रहिण दिया मैं उहदे नाल कंफर्टेबल हाँ वधिया, फिर लीज़ साइन कर लो। भी जेड़े भी कट्ठे घर लैन के इच्छुक ने कि भी 6-7 जने असं कट्ठे घर लै लेंगे, वो आपका इन्ना क मतलब कि गलबात कर लियो भी कल नूं जे किसी ने जाना तो आपकी थान पर बंदा छड के जाओ या भी लीज़ सारयां दी करा लो या तो वह चीज़ च फायदा ठीक है, बाकी सारयां नूं आपका आपका पता। तो कट्ठे घर लैन च मेरे हिसाब नाल तो फायदा उदों ही है भी या तो सारे जने लीज़ साइन करो ठीक है, तो या फिर जे लीज़ सारे ने नहीं साइन करनी तो बह के गलबात कर लो भी हाँ जे एक जने ने इतों निकलना तो बंदा छड के जाना ठीक है, या जे जिन्हें लीज़ की उन्हें जाना है तो आपकी थान पर बंदा छड के जाना, वो जो भी सिस्टम है ठीक है, मतलब कि कल जो कोई बंदा निकले तो तुहानू कोई दिक्कत ना आए, इदा का सिस्टम करके आपके हिसाब न लीज़ साइन करो, क्योंकि स्टार्टिंग च महीना 2 महीने भी आप कह सकते हैं भी वधिया सारे ना चलता है ठीक है, उदो बाद छोटिया छोटिया गल्लों से हौली हौली ना गल बढ़ जाती है, कई गल्लां हुंदियां कईयां दे विचार नहीं मिलते किसी नूं किसी तों की प्रॉब्लम हो जाती है, 100 गल्लां हुंदियां ठीक है। तां करके कहना थोड़ा ध्यान नाल पहली गल तो ट्राई करो भी रूम मिल जाए तुहानूं आपका प्राइवेट रूम ठीक है, भी 2 जने शेयरिंग च हो जाए 3 जने हो जाए वो फिर भी थोड़ा सौखा है, जे आपां घर लैंदे आ फिर सारयां नूं इकट्ठे ही रहना पैंदा, उहदे च रूम का हो सकदा भी कोई रूम का सिस्टम होवे ही ना भी ओपन होल होवे इदां कुछ भी हो सकदा, बाकी तुसीं आपदे हिसाब नाल देख लियो भी जिद्दां तुसीं कंफर्टेबल हो। मेरी तो यही सलाह है भी जो भी करना लीज़ का सोच समझ के करो भी ये ना हो कल एक थान पर फस के रह जाओ ठीक है। तो एक मैं आपदी दस दिना भी जे असी हुण साउथ पोर्क्यूपाइन च लीज़ साइन की हुंदी ठीक है, सानू उत्थे बंदे छड्डने पैने से पहला भावें असी 3 जने सी सानू बंदे छड्डने पैने से उत्थे फिर असी उत्थों निकल सकते सी, असी उत्थे लीज़ साइन नहीं सी की हुई ठीक है, तां करके असी आपदा आराम नाल इधर आ गए जदों मर्जी। हुण मौके ते आपां इस घर च लीज़ साइन कर रखी है, तो एक चीज़ होर जे तुसीं लीज़ साइन करन दे हो तो ओनर नाल एक गल जरूर कर लियो भी कल नूं असी लीज़ अपनी एंड होने तो पहला जे जाना हो असी आपकी थान पर किसी होर छड जाइए तो उनके नाम लीज़ शिफ्ट हो जूगी कि नहीं, इस चीज़ का जरूर कर लियो क्योंकि असी कर रखे भी जिवें मैं अज जाना है ठीक है, मैं आपके थान पर कोई भी बंदा छड के जा सकता उनके नाम से लीज़ हो जूगी, मेरा नाम वो लीज़ चो कट हो जूगा ठीक है।
ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਦੀ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਤੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੀ ਲੈ ਰੱਖਿਆ, ਠੀਕ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਦਿਆ ਸੀ 1500-1600 ਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈ ਲੈਣੇ ਘਰ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੁਛ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਵੀ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਇੰਨਾ ਆਜੂਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰ ਪਰਸਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੇਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੀਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਕਸ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਰੈਂਟ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਵੰਡ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਇੰਨਾ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲੌਂਡਰੀ ਦਾ ਹਜੇ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਓਨਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲਣ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਰੈਂਟ 'ਚ ਫਰਕ ਪਊਗਾ। ਅਤੇ ਬਸ ਸਵੇਰ ਦੇ ਅੱਜ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਲੇਜ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਥ ਦਾ, ਹੋਮਵਰਕ ਕਹਿੰਦਾ ਟੈਸਟ ਸੀਗਾ ਸੱਚ, ਟੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਥ ਦਾ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਗੇਮ ਖੇਡ ਲਈ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਲੈਪਟੋਪ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਗੇਮ ਖੇਡ ਲਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਵਲੋਗ ਵਾਹਵਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵਲੋਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਲੋਗ ਵੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਜੇ ਵਲੋਗ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਜੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕਰ ਲਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਵਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਵਲੋਗ ਮਿਸ ਕੱਤ ਹੋਇਆ ਸੀ।